तो आज हम जाने वाले एक नई जगह पे, जहाँ जहाँ पे मैं आज सुबह के 6 बज गए, लेकिन थोड़ी सी देरी हो गई है। चलिए जाके देखते हैं क्या है कुछ उसके बारे में। उस जगह बड़ी बहुत ही बढ़िया और मैजिक से भरी हुई होगी शायद, और मैं दिखाना भी चाहूँगा आपको कि क्या है, कैसा है वगैरह। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज सब्सक्राइब का। कीजिए नंदा हार्दिक चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उससे आपको सबसे पहले मेरी छः न्यूज़ बजे और मिलती। हम यहाँ पे हल्दिया में हैं, हल्दिया वेस्ट बंगाल में, और जा रहा हूँ अभी रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से जाएंगे हम कलकत्ता। तो देखते हैं क्या है सुबह के 6 बजे मॉर्निंग। साइंस सिटी में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ट्रिप, और साथ में काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी हैं जो भी घूमने के लिए आए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज वहाँ के जाके साइंस सिटी में हमें क्या क्या नया नया देखने को मिलता है। हमने टिकट तो परचेस कर लिया साइंस सिटी में, पनोरमा शो वगैरह कॉम्बो। यहाँ पे एंट्री फ़ी है 50 रुपये, और उसके बाद बात करूँ तो यहाँ पे पनोरमा और दो एंट्री फ़ी है उसके, यहाँ पे 80 रुपीज़ लिए है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन अभी जा रहे हैं हम पनोरमा शो में देखने के लिए क्या है वगैरह। तो यहाँ पे मैं आया हूँ कलकत्ता साइंस सिटी में, देखते हैं उपखंड, हमारा इंडिया का उपखंड है उसमें सबसे बड़ा साइंस सिटी है ये। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आके क्या क्या अंदर देखने को हमें मिलता है। अभी है पनोरमा शो में, पनोरमा शो यहाँ पे देखने वाले हैं, उसके बाद हम देखेंगे काफ़ी सारी राइड्स। कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले शीतल महासागर बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकी जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से फ्लैश की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम सामर्थ्य का क्रम होता है। कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। प्रथम स्तनपायी जीव मेगास्ट्रोम चूहे जैसे आकार का था। प्राचीन सरीसृप समाप्त होने लगे थे और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं माप के और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल लिया था। इनमें से कुछ तो सरसृप आकाश और सागर में भी छा गए थे। प्लियोसॉरस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन उड़न सरसृप यूरिमॉर्फोडॉन हवा में उड़ते थे। इन्हीं दिनों प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरा पौधों से भर उठी थी।
बैंड या मोनोरेल खंडित होने के कारण हर एशिया की ओर खिसक लगा था। एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर को ओलंपिक के तीन धावकों की तरह तोड़ सकते थे। पैरासोलॉपस और कोरिडोर सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। एकांत महादेश में सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था। इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के मुड़कर का इस्तेमाल करते थे। पर्याप्त आहार नहीं मिला और ये भूख के कारण आए। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद छोटे छोटे जलवायु प्राणी बड़े आकार में बदलते गए। इसी समय बड़े बड़े शरण विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। और घोड़े के पूर्वज यह हिपस की जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे एक एवं बंदरों का जाने भाग हुआ एवं बर्फ की जान तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे जो आइस एज के नाम से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को जीव में फाड़ने में हुई अड़चन के कारण जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। Thank you.